मैं गुजरात से हूँ और गुजरात की परिस्थिति से आप सारे लोग वाकिफ होंगे। उसके कारण अभी हाल की परिस्थिति में दो है, एक तो वहाँ चुनाव चल रहा है और वहाँ पे नए नए प्रकार के अत्याचार की प्रयोगशाला के अंदर नए नए रिजल्ट प्राप्त किए जा रहे हैं। गुजरात में आप जानते होंगे कि एक थानगढ़ की घटना हुई जहां पुलिस की गोलियों से 3 मासूम लोगों को मार दिया गया जिनके हाथों में कुछ नहीं था, है ना। उसके आगे जाके हम देखते हैं कि उना की घटना हुई, मनुवादी परिस्थितियों के अंदर जो जाति प्रथा के अंदर दिए गए कामों में जो काम की जो प्रावधान किए गए हैं कि चमार चमड़े का काम करेगा, उसी काम करते हुए चमारों पे गाड़ी पे बांध के पुलिस स्टेशन के सामने उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया। और ये बहुत बड़ा हमारे लिए कंफ्यूजन, मतलब हमारे दिमाग में एक अजीब सा प्रश्न निर्मित करता है कि क्या हम जाति व्यवस्था को फॉलो करते हैं, उसको लेके चलते हैं तो भी मार खाते हैं, और उना कांड के बाद जब मरे हुए ढोरों को उठाना बंद कर दिया तो भी मारा गया। बड़ी अच्छी विडंबना है। 22वीं चंद्रशेखर के बारे में हम वहां पे रह के चिंता कर रहे थे तो हमारे गुजरात के साथी अशोक सम्राट और उनके दो सहारनपुर गए, 17 जुलाई को उनको मिले, उनसे बात की, उनकी जो अनुभव रहे उनको लोगों ने पूछा, आप गुजरात से यहां तक आए हैं आपको पता है उनके पे कौन सा कानून लगा है? राष्ट्रद्रोह का कानून लगा है। राष्ट्रद्रोह मतलब एक देश को तोड़ने वाला आदमी। हमारे दिमाग में प्रश्न आया, जिसने नाम रखा भीम आर्मी, जिस भीम ने भारत का संविधान बनाया, उस संविधान को बनाने वाले को फॉलो करने वाला आदमी देशद्रोही कैसे हो सकता है? यह हमारे दिल में बहुत सोचा। फिर हमने गुजरात में, हमने NHRC में माननीय श्री दत्तू जी को आवेदन जमा करवाया और आवेदन में हमने कहा कि भारत के कानून व्यवस्था के अंदर हमको गुजरात के अंदर 1985 के में हमारे गुजरात में 142 लोगों पे NSA लगा दिया गया था और उसमें 3 दलित थे और उन दलित का नाम है रमेश चंद्र वर्मा, जो दलित पेंथर को लेकर लीड कर रहे थे, वो मरे तब तक वो कानून उनपे से हटा नहीं। एक थे जटाभाई जाधव और एक दूसरे थे जयंती सुबोध, जो दलित साहित्य को लिखते थे और ऐसा साहित्य लिखते थे लोगों की आत्मा जग जाती थी, उनके पे भी NSA लगा दिया गया। ये NSA था क्या? राष्ट्रद्रोह का कानून आता कहां से? 1857 के विप्लव में जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने हथियार छोड़ दिए और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, उस एक्ट के अंदर जो प्रावधान दिया गया, उस प्रावधान के अंदर लोगों को फांसी बिना कोई सुनवाई किए देने जाने की सुविधा थी। दूसरे विश्व युद्ध में उसमें थोड़ा सा बदलाव लाया गया और 1980 में भारत देश के अंदर एक कानून को बड़ी तगड़ी तरह से इस्तेमाल किया जाता है। 22वीं चंद्रशेखर हम मानते हैं और वो हमारे अधिकारों के लिए लड़ता है, हमारे लिए कोई आवाज नहीं उठाता तो कौन उठाएगा? हमारे समाज से अगर कोई आवाज उठाता है और जिस तरह से आप जवाब मांगते हैं उसी तरीके का जवाब अपने डिफेंसिव मोड में देने की कोशिश करता है तो आप उसको राष्ट्रद्रोही घोषित कर देते हैं। ऐसे तो सरकार 22वीं को आके अभी बोल के गया था, जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो क्या करोगे? हमारे गुजरात के अंदर यह परिस्थिति बड़ी गंभीर है, लोग प्रताड़ना के भोगी हैं, सरकार प्रयत्न करती है मगर उसका हमें परिणाम कहीं दिखाई नहीं देता है। माननीय श्री
अशोक भाई भारती ने ऐसे आयोजन करके हमारे गुजरात की समस्या और भाई चंद्रशेखर की समस्या को यहाँ पे आवाज दिलाने की कोशिश की है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमने जो आवेदन जमा करवाया है उसके अंदर हमने सरकार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारतीय प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन तीनों को हमने पत्र लिखा है और पत्र में हमें कहा है कि ये यूनाइटेड नेशन का जो एक ट्रीटी है, जो एक कानून है जिसमें भारत ने साइन किया है, उसका भी उल्लंघन है। अमेरिका के अंदर 1975 में जो कानून बना है जिसका सब लोग पालन करते हैं, कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की वजह से, उसका भी आपने उल्लंघन किया है। एक जो टॉर्चर बिल बनाया गया था 2010 में, प्रिवेंशन ऑफ द टॉर्चर बिल 2010, उसका भी आपने उल्लंघन किया है। हमारा चंद्रशेखर आजाद जब आप लेके गए थे तब तंदुरुस्त था, जब वो बाहर आया तो उसकी हालत खराब थी। क्या जेल में खाना नहीं दिया जाता? क्या हो रहा है वहां पे? मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी भारत सरकार को उस पे एक अच्छी तरह से बिना बायस, कोई धार्मिक जाति या कोई तरह का कोई भेदभाव न रखते हुए उनको न्याय दिलाने का कुछ न कुछ प्रावधान हो। ऐसी आशा के साथ मैं सारे गुजरात के 45 लाख दलितों की बिहाफ हो मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद, मुझे मौका दिया उसके लिए आपका आभार।